फर्जी मस्टर रूल बनाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे वेतन आरेख किया जा रहा है होमगार्ड्स का, इसकी जांच कराई गई। एसपी सिटी साहब से इसकी मैंने जांच कराई तो वास्तव में पाया गया कि 2 महीने की जांच में जिसमें 7 थानों का ही मात्र इतना ही डेटा लिया गया था, उसी में ये पाया गया कि जितनी सैलरी आ रही हुई थी 2 महीने में उसके करीब करीब 50% सैलरी इन फर्जी मस्टर रूल्स के बेसिस पे थी। इस पूरे प्रकरण में FIR दर्ज कराई गई थी और इसमें FIR में हम लोगों ने पूर्व के दिनों का मस्टर रोल्स हम लोगों ने लिए हैं। 1 जनवरी 2019 से लेके सभी थानों के मस्टर रोल्स हम लोगों ने प्रदर्शन में लिए थे। कुछ ऐसे कार्यालय हैं जैसे ट्रैफिक ऑफिस है और कई ऑफिस है, इनका हम लोगों ने 2017 से लेके अभी तक के मस्टर रोल्स लिए हैं और उनके मिलान की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। 5 इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से यहाँ पे पहले तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड जो अभी मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड है अलीगढ़ वो भी शामिल है, एक A2DC जो है होमगार्ड वो शामिल है और 3 अवैतनिक प्लाटून कमांडर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच घटनाक्रम में इस तरीके का भी हुआ कि कल 19 तारीख को सुबह सूचना पुलिस को मिली थी कि होमगार्ड जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में आग लगी है। मौके पर जाके देखा गया तो उसी बक्से में आग लगी थी जिसमें ये मस्टर रोल रखे गए थे 2014 से लेके और अभी तक के मस्टर रोल जिस बक्से में रखे गए थे उसी में केवल आग लगी थी। उस कमरे का ताला तोड़ा गया था, बक्से के दोनों ताले तोड़े गए थे, उसमें 2 अलमारियां थी, उन अलमारियों में से 1 अलमारी का ताला तोड़ा गया था, उसी अलमारी का टूटा था जिसमें मस्टर रोल थे। वो घटना एक आपराधिक घटना है जिसमें कि साक्ष्य को जुटाने के उद्देश्य से वो अपराध किया गया है, उसमें एक अलग से FIR पंजीकृत की गई है। गुजरात से फॉरेंसिक साइंस की टीम हम लोगों ने बुलाई है जो कि उस संबंध में साक्ष्य एकत्रित हम लोग कर रहे हैं और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये 5 अभियुक्त जो हैं जो होमगार्ड्स में सैलरी में अनियमितताएं जो की गई, जो घोटाला किया गया उस संबंध में हुई है। जो आग किन परिस्थितियों में लगी, किसने लगाई, कौन उसका दोषी है और क्या उसका उद्देश्य था, उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन अभियुक्तों से भी उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, उस घटना का भी शीघ्र अनावरण किया जाएगा। ये जो अभियुक्त हैं इन लोगों ने पूरा मोडस ऑपरेंडी अपना बताया है किस तरीके से ये अपराध कारित करते थे। 2 तरीके से मेनली जो वेतन आहरण है उसमें अनियमितताएं होती थी। एक तो ये होता था कि संख्या उसकी बढ़ा दी जाती थी, होमगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाती थी कि जैसे जो होमगार्ड्स आए हैं उसके अतिरिक्त दिखा दिए जाते थे और जो अतिरिक्त होमगार्ड होते थे उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता था, उस पैसे को आहरित करके बहुत कोई नॉमिनल छोटा मोटा अमाउंट उस होमगार्ड को दे देते थे और बाकी ये सारा पैसा अभियुक्तों के पास ये लोग ले लेते थे। दूसरा तरीका ये था कि जो मैन डेज हैं, जैसे किसी ने 1 महीने में सपोज करिए 10 दिन नौकरी 10 दिन ड्यूटी पे आया और 4 होमगार्ड्स मान लीजिए 10 दिन ड्यूटी पे आए तो उसकी संख्या जो है बढ़ा के 20 दिन की सैलरी मिली तो कितने कार्य दिवस उसने काम किया उसे बढ़ा के फर्जी तरीके से हो जाता था। उसमें 50% जो पैसा था वो जिला कमांडेंट होमगार्ड हो जाता था और बाकी 25% जो A2DC है उसके पास जाता था, बाकी का 25% जो अवैतनिक प्लेटून कमांडर उसे आरित करता था उसके पास जाता था। तो 2 तरीके की दिनों का वर्षों का हम लोग इस पे एनालाइज करेंगे जो सैलरी पैटर्न है। अभी तक जो हम लोगों का एनालिसिस है उसके हिसाब से हो सकता है कि ये कई करोड़ का घोटाला हो। एग्जैक्ट अमाउंट पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, जब हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे तभी हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कि 3.5 करोड़ के करीब का हो क्योंकि 2017 से अभी तक हम लोगों ने आकलन डेटा को आकलन किया है तो इतना संभावित है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ही एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर हो पाएगा, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है तो ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्लियर करते हैं। सर आपने 25% बताया तो लास्ट परचेज जिस प्लाटून कमांडर के मतलब जो अवैतनिक प्लाटून कमांडर बनाता था वो 25% उसका होता है। अच्छा सर आपने जुलाई में शिकायत मिली थी, जुलाई में शिकायत मिली थी उसके बाद मामला दर्ज हो गया तो फिर चूक कहाँ रह गई कि सबूत मिटा भी दिए गए और कहाँ चूक रह गई? नहीं शिकायत मिली थी उसके बाद मामला दर्ज हुआ। अब
अक्टूबर में जांच पूरी हुई थी और उसके बाद नवंबर में इसमें FIR हुई थी। कुछ जो मस्टर रोल्स थे काफ़ी संख्या में हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी हम लोग आगे उसमें जो मस्टर रोल्स थे वो ले रहे थे और जो मस्टर रोल जलाए गए हैं उनके संबंध में भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो और हमारे पास कुछ कुछ एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे जिससे एविडेंस हमारा मजबूत रहे। अभी भी हम लोगों के पास वर्तमान में इतने मजबूत एविडेंस है कि मस्टर रोल जलाने के बाद भी हम लोग इन्हें सजा कराने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये 4 करोड़ की जो धनराशि है 2 वर्षों में थाने में कितने थानों का था? नहीं, ये सभी थानों का मिला के 24 थाने हैं। नहीं, सभी थानों का मिला के ये धनराशि। अच्छा, कितनी ड्यूटी लगती थी? जैसे मान लीजिए अगर 10 ड्यूटी उन्होंने लगाई ओरिजिनल और 20 दिखाई तो क्या थानों से उस पे नहीं होता था कि आज 10 ही यहाँ पे होमगार्ड आए हैं? और मोडस ऑपरेंडी में इस तरीके का था कि मस्टर रोल को फाड़ देते थे। ये जो पूरा संज्ञान में प्रकरण आया है थाने के मिलान के संज्ञान में आया है। थाने की जो GD होती है वो GD चूंकि थाने पे मौजूद है वो GD से तो टेम्परिंग हो नहीं सकती है। जो वेतन आरित किया गया है और जो GD में भिन्नता है उसी के बेसिस से पूरा प्रकरण संज्ञान में है। ये जो अमाउंट है इसमें थाने प्लस अन्य कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय सब कुछ मिला के इसका आंसर ये करते सर। जो अभी तक नॉलेज में इस तरीके का आया है कि काफी पहले से चला आ रहा था 2017 के बाद से और ये प्रोमिनेंट रूप से जुड़े हुआ था इस तरीके से। ये सर गौतम बुद्ध नगर के अलावा और भी कहीं इस तरह का मामला कुछ संज्ञान में आया सर? इन्वेस्टिगेशन देखिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा अपने ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये बाहर के सर जो गुजरात से फॉरेंसिक टीम आई है कब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और कब तक वो जांच रिपोर्ट अपनी आपको सौंपेंगे? देखिए आज उन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किया है वो हम लोगों को शीघ्र जो उन्होंने साक्ष्य एकत्र किए हैं उसके विषय में हम लोगों को रिपोर्ट देंगे। बट दे हैव नॉट बीन स्टिल accused in that case, they are suspects, we are interrogating them in that case. ये लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या इनका कुछ रोल है इसमें आग वाग लगवाने में? इस बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी हम ये नहीं कह सकते इनका रोल है कि नहीं है लेकिन बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। CCTV है वहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है। हम गोपनीय कुछ चीजें रखते हैं इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें जब कंक्लूसिव फॉर्म में होंगे तो आप शेयर करेंगे। है हमारे पास है जो हमारे पास है वो छोड़ के और जो जांच समिति भी एक उसमें आई है उसके पास जो मस्टर रोल है वो छोड़ के और बता देंगे। सर जैसे ये केस 13 को रजिस्टर हुआ था और इन लोग को कल आप लोगों ने डिटेन किया था तो सडनली व्हाई यस्टरडे लाइक आफ्टर द फायर और व्हाट दे ऑलरेडी ऑन द रडार? सी द फायर इंसिडेंट शोज द ऑडेसिटी ऑफ द एक्यूज्ड। इट शोज दैट you know the accused had really crossed the limits. We expedited our investigation, we worked it out in a very quick manner and the FIR when it was registered after thorough inquiry it was registered. That is why initially it took time. जब इसमें चार्जशीट हो जाएगी पर्याप्त साक्ष्य संकलन होंगे तो गैंगस्टर की। सर जो CCTV कैमरा जो सामने लगा हुआ था BSA के ऑफिस पे दैट वाजंट वर्किंग सो आर देयर एनी अदर CCTV? वी आर टेकिंग ऑल द अवेलेबल एविडेंसेस इनटू पिक्चर। देयर आर सम लीड्स इन द केस एंड वी आर परसुइंग देम इफ वी रन आउट। सर ये यही लोग मास्टरमाइंड है या इनसे ऊपर भी कुछ और कड़िया है अभी? नहीं, यही मास्टरमाइंड। सर ये यहाँ कब से कब तक थे डिविजनल कमांडेंट? यहाँ पे ये डिविजनल कमांडेंट नहीं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कब से कब तक रहे सर? ये 2017 से लेकर 2019 जो मौजूदा अधिकारी हैं जो मेरठ में बैठते हैं उनका कोई रोल